हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन डाइबोरेन कंपाउंड। देखिए, इस वीडियो के अंदर अपन जो डाइबोरेन है उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किस तरह से उपस्थित होती है उसका अपन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का अपन जनरल मीन समझे तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, न्यूनता। यानी कोई कंपाउंड उसमें ऑर्बिटल तो है, लेकिन उन ऑर्बिटल के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर जनरली जो ऑर्बिटल है उनकी तुलना में कम होता है, और यही आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर उसका जनरल इंट्रोडक्शन है, उससे संबंधित एग्जांपल अपन ने उसकी बात की थी। आज अपन उसी से रिलेटेड जो एग्जांपल था उसी एग्जांपल को अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसी एक्सप्लेनेशन में अपन देखेंगे कि भाई ये किस तरह से फॉर्म हो रहा है, किस तरह से कंडीशन है वो इनमें देखने को मिलती है। तो देखिए, सबसे पहली बात करें, यहाँ पर अपन ने डाइबोरेन लिखा है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं डाइबोरेन के लिए। जनरली क्या बताया गया है कि आपका जो डाइबोरेन होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C2H6, जिसे अपन क्या कहते हैं, एथेन, उसी के जैसा ही डाइबोरेन में फॉर्मूला देखने को मिलता है। जनरली अपन कह दें कि भाई इनका जो अणुसूत्र है वो क्या होता है, दोनों का समान होता है, सेम कंडीशन में उपस्थित होता है। बट अपन बात करें इसके लिए, तो यहाँ पर इसमें चेंज किस चीज़ में आता है कि भाई जब दोनों का फॉर्मूला एक हुआ है तो इसमें स्ट्रक्चर भी एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ आपके बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो क्या बताया गया है कि दोनों के अंदर जो मेन अंतर है वो किसका पाया जाता है, इनमें स्ट्रक्चर का पाया जाता है। मतलब स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे में क्या होती है, डिफरेंट कंडीशन वाली। अब डिफरेंट कंडीशन किस होता है अपन उसका भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। से अपने ये एक तो चीज़ देख ली। अब देखिए, दोनों में सेम चीज़ और क्या है, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन भी एक जैसा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एक जैसा है, लेकिन फर्स्ट यहाँ पर जो चीज़ है वो क्या डिफरेंट है, स्ट्रक्चर, पहली चीज़। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, अपन सबसे पहले इसी के लिए लिख दूं, देखिए मैं इसके नीचे, तो पहली डिफरेंट चीज़ है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एथेन है उसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जहाँ तक B2S6 में बात करें, आपके 12 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मतलब इनमें जनरल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ये अंतर पाया जाता है। अब साथ में क्या पता है कि दो बोरोन परमाणुओं के मध्य है सहसंयोजक इस तरह से बंद आपका नहीं बन पाता कि जिस तरह से आपका 2C और 2E इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। मतलब क्या है कि जैसे मैं कहूँ कि भाई इसमें आपके दो बोरोन परमाणु उपस्थित हैं, तो यहाँ पर अपन सहसंयोजक बंध की यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर कौन से बॉन्ड बने, कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड के लिए आपका 2C सेंट्रल और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जो सहसंयोजक बंध के लिए उपस्थित कंडीशन होती है वो क्या है, इसमें नहीं बन पाती। तो नहीं बन पाई
इसकी वजह से क्या है, इसमें डिफरेंस आता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों के लिए मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर से समझेंगे कि भाई इसमें किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के आधार पर इसमें डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले देखिए इधर बोरोन के अंदर बात करें, ये आपका बोरोन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये बोरोन का और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। एक अब जो बात होगी उसमें ये हाइड्रोजन और ये वाला इसके साथ आपका बोरोन। इसी तरह से इधर बात करें तो यहाँ पर बोरोन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, अब ये इसके साथ इस तरह के बंधन में उपस्थित है, ये बोरोन, ये हाइड्रोजन, ये बोरोन इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर तीन हाइड्रोजन परमाणु हैं, वो इस बोरोन के साथ इस तरह से व्यवस्थित हैं कि सहसंयोजक बंध बन रहे हैं, लेकिन ये इसके साथ दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा भी जुड़ा रहता है। इसी तरह से तीन हाइड्रोजन इसके साथ बंधे हैं लेकिन एक दुर्बल आकर्षण, मतलब इसके साथ ये वाला दुर्बल आकर्षण से, इसके साथ ये दुर्बल आकर्षण से बंध उपस्थित होता है। जबकि एथेन के अंदर अपने को पता है कि जनरल स्ट्रक्चर में बात करें तो वहाँ पर सारे के सारे सहसंयोजक बंध ही आपको देखने को मिलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज, आपको ये कंपाउंड दिख रहा है कि भाई जनरली दो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर आपको कमी दिख रही है, और जो ये कंडीशन थी ये सामान्यतः सहसंयोजक बंध में कंडीशन नहीं बन पाती। तो उसके फलस्वरूप क्या बताया गया है कि जितनी संख्या में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो उपस्थित नहीं है, तो क्या बताया गया है इसको समझाने के लिए जो बहुकेंद्रीय बंधन है उसके द्वारा क्या किया गया था, इसका एक्सप्लेनेशन किया गया। अब ये एक्सप्लेनेशन किस तरह से है कि जनरली आपका जो डाइबोरेन है उस डाइबोरेन के अंदर आपको बहुकेंद्रीय अवस्था है वो देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ पर सामान्यतः तीन केंद्रक आपको दिखाई देंगे। अब देखिए मैं इस केंद्रक को एक बार जनरली आपको यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जनरली बंधन आपका कैसा है, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, तो एक दो और तीन, तीन एटम हैं तो तीन सेंटर उपस्थित है। अब बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधन का, तो जनरली इलेक्ट्रॉन भाई बंध ही तो यही है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तभी तो बंध बना है, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हो, तो ये वाला कैसा है अपने इसको एक्सप्लेन करें तो थ्री सेंट्रल टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, कि भी ये इस अवस्था है जनरली इसके अंदर देखने को मिलती है। अब इसको अपन एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ कि मैं बोरोन है उस परमाणु को एक्सप्लेन करते हुए लिखूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है और उसमें इसका आपको मान देखने को मिलता है। बोरोन की बात करें, इसका जेड आपको पता है फाइव होता है, 1s2 2s2 2p1 होता है। जनरली आपका इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, वैलेंस शेल होगा या संयोजी कक्ष होगा। इस संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास, तीन इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो अपन इसको इस तरह से एक्सप्लेन करें, ये आपका 2s और ये आपका 3p। अब यहाँ पर बात करें, मैं यहाँ पर बोरोन की एक्साइटेड स्टेज की सीधी बात कर देता हूँ एक बार, क्योंकि इसमें मान लो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन उपस्थित है, तो यहाँ पर मैंने इसको बाहर से ऊर्जा दी, बाहर से जैसे ये ऊर्जा मिली यहाँ का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर बाहरी कक्ष में चला जाएगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है। अब देखिए एक्साइटेड स्टेज के अंदर अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि जनरली यहाँ पर चार संकृत कक्षकों का निर्माण हो रहा है। कैसा हो रहा है, चार संकृत कक्षक, देखिए एक दो तीन और एक वैकेंट वाला चार, तो चार ऑर्बिटल बन रहे हैं जिसमें
आपकी तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले ऊपर है और एक आपका ये कैसा है वेकेंट ऑर्बिटल है कि ये रिक्त कक्षक इसमें आपको इसमें देखने को मिलता है। मतलब इसमें चौथा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो आपको कैसा मिलेगा, इसमें जनरली खाली मिलेगा। अब क्या बताएं, प्रत्येक बोरोन परमाणु है वो क्या करेगा, दो संकरित कक्षक इसमें बना दिए, चार संकरित कक्षक बना दिए। अब इसमें ये इस प्रकार व्यवस्थित होता है कि दो के साथ साथ हाइड्रोजन है वो सहसंयोजक बंध बना लेता। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इन दोनों की, कि इन दोनों के साथ तो आसानी से दो सहसंयोजक बंध है आसानी से बना लेता है और साथ में इनमें दो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन अब ये वाला जो अपन बात करें इस स्थिति में, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ है लेकिन साथ में क्या है, दुर्बल आकर्षण बंध भी इनमें पाया जाता है। इसमें टर्मिनल अपन बात करें कि जनरली ये जो पोजीशन है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि बोरोन में आपको इस तरह की पोजीशन है, वो बोरोन में आपको ये देखने को मिलती है, जिसमें अपन बात करें ये क्या क्या लाती है आपकी, इसकी टर्मिनल पोजीशन, ये इसकी टर्मिनल पोजिशन। चार जो हाइड्रोजन परमाणु है वो टर्मिनल पोजीशन पाए जाते हैं जिनमें बोरोन हाइड्रोजन बंध देखने को मिलता है, कि भी ये बोरोन है इसके साथ हाइड्रोजन बंध, ये बोरोन है इसके साथ हाइड्रोजन बंध है, ये बोरोन है इसके साथ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है ये बोरोन है इसके साथ BH हाइड्रोजन बंध है, वो एक ही तल पे क्या होता है देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी बात करें कि यहाँ पर जो अलग से कोई दूसरा बंध जनरली आपको दिखाई दे रहा है वो किस कंडीशन वाला है, देखिए यहाँ पर अपन बात करें बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, एक के साथ सहसंयोजक बंध है और एक के साथ इस तरह से, तो अपन यह कह सकते हैं कि जनरली यहाँ पर जो संकरण अवस्था है उस संकरण अवस्था के अंदर आपको ये वाला बंध भी इसमें देखने को मिलेगा। और साथ में क्या बताया गया कि एक अक्ष है, अपन यहाँ पर बात करें एक अक्ष इसमें रिक्त रहेगा और एक इसमें वो पूर्ण भरा हुआ रहेगा। तो इस तरह से अपन बात करें कि अगर अपन इसका अगर मोलिकुलर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों बोरोन को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये आपके सेतु वाले हाइड्रोजन आपके बंध कहलाएंगे, जिसमें ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये दोनों हाइड्रोजन सेतु का यहाँ पर काम करेंगे और इस तरह से इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इसके द्वारा क्या किया जाता है, आपके शो किया जाता है। और जनरली इस तरह का जो बंधन है वो बहुत कम या कह दें रेयर कंडीशन में है वो इसमें देखने को मिलता है। और अभी बात की कि भी इसमें किस तरह का बंधन मिलेगा, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, तो मतलब थ्री सेंट्रल टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो इनके द्वारा क्या किया जाएगा, आपके इसमें बंध बनाया जाएगा। जिसमें अपन बात करें कि अपन जो तीन केंद्र हैं वो उनमें बोरोन हाइड्रोजन वैसे हो गए। अब क्या बताया गया है कि यहाँ पर इसके जो ये आकृति बनाई जाती है किसके द्वारा, इस कंपाउंड के अंदर ये जो आकृति यहाँ पर बनाई जा रही है जनरली ये कैसी है,
एक केले के समान आकृति है वो इसके द्वारा बनाई जाती है। अब देखिए मैं इसको अभी तो जनरली इसका इस लिखा रहा हूँ, अब मैं देखो इसको कुछ बंध के द्वारा क्या करूँगा, इसको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे बोरोन है, उसके साथ दो सह संयोजक बंध हैं, उसको तो आप अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके साथ ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, बंध बना रहा है, तो मैं इसको सह संयोजक वाला बना दूं। और दूसरे का ये वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, ये इसको आकर्षित करेगा, क्योंकि अपने को पता है कि थ्री डायमेंशन रूप से आपका जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो आपका व्यवस्थित होता है। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब देखिए दूसरा इसका वेकेंट ऑर्बिटल इस तरह से व्यवस्थित होता है, और उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और इसके साथ ये इसके साथ बंद बना लेता है, सह संयोजक बंद वाला। तो मतलब क्या बताया गया है कि जनरली यहाँ पर जो बोरोन का एक वेकेंट है उसके साथ हाइड्रोजन दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा जुड़ा रहता है, ये वाला इस हाइड्रोजन के साथ दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा इस तरह से जुड़ा रहेगा। अब देखिए मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरह से भी तो बना सकता हूँ, जैसे कि ये आपका केला बंधन है वो इसमें जनरली आपको दिखाई देगा किस तरह से, ये हाइड्रोजन ये इसके दो सह संयोजक बंध वाले हाइड्रोजन, ये वाले, तो ये देखिए ये आपको मतलब बंधन है इसको दिखाई नहीं दे रहा, देखिए तो यहाँ पर अपन बात करें ये किस तरह का बंधन है, ये आपका केला बंधन या बनाना बॉन्डिंग कहलाती है, जिसके अंदर क्या बताया गया है कि दो तो सह संयोजक बंध के साथ ये इसमें सीधे व्यवस्थित होते हैं, लेकिन दूसरा एक के साथ सह संयोजक बंध, एक दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा जुड़ा, इसी तरह से एक सह संयोजक है और एक दुर्बल आकर्षण बंध द्वारा यहाँ पर बंध का निर्माण किया जाता है। इस तरह से क्या बताया गया है कि चार हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि इनके द्वारा sp3 संकरण है वो इनके द्वारा शो किया जाता है। खासकर यहाँ पर जब अपन इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो यहाँ पर चारों ऑर्बिटल इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि एक यहाँ पर इसमें बंधी अणु कक्षक बनेगा, एक अबंधी बनेगा, और एक आपके विपरीत बंधी वाला जो बंध है उसका निर्माण होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यहाँ पर दोनों के अंदर खास अंतर है वो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि जनरली इन दोनों के अंदर मुख्यतः अंतर है वो किस तरह से पाया जाएगा, क्योंकि अभी देखिए अपन ने बात की कि इनके अंदर बंधी, विपरीत बंधी और अबंधी तीनों तरह के जो ऑर्बिटल्स हैं उसके द्वारा आपका फॉर्मेशन इनमें किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बोरोन है, उसके लिए बात करूँ तो 1s2 ये वाला छोड़ देते हैं, सिर्फ 2s2 2p1। अब बात करते हैं 2p1 में ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ मैं 2p1 को ही आपको यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। और ख़ासकर अब हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर भी 1s इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये वाले पहले से भरे हुए हैं इसलिए इनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला तो पी वाला ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ये शो कर, जनरली ये एस की तुलना में क्या है ऊर्जा में ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर इसको आपको क्या बनाना है, नीचे बनाना है, तो ये थोड़ा इसको दूर बनाना,
हूँ, और ये वाला आपके बंधे वाला। अब यहाँ पर अपने को पता है कि एक वेकेंट ही था, कि पी वाले में एक वेकेंट भी तो था, तो यहाँ पर मैं ये इस तरह से दिखा दूँ, ये वेकेंट पी ऑर्बिटल। ये आपका हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूँ 1s1, और यहाँ पर आपका इधर बात करूँ 2p1 वाला ऑर्बिटल यहाँ पर व्यवस्थित। अब देखिए, एक खाली है, रिक्त है, तो क्या हो गया, अबंधी। तो जनरली अबंधी वाला ऑर्बिटल यहाँ पर व्यवस्थित हो, तो इस तरह से बंधन पाया जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके वाला, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, बंधन हो जाता है। ये दोनों खाली पड़े रहते हैं, ये आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, ये आपके नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, और ये आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब देखिए, यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर ये जो अपन ने बोरोन के लिए एक बार ये जो बनाया है, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जनरली ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसमें बनाया है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर बंधे में ही उपस्थित हैं। तो अब सीधी सीधी अपन यहाँ पर एक इस बात कह सकते हैं कि जनरली यहाँ पर पेयर्ड कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो इसमें जनरली किसी तरह का चुंबकीय गुण नहीं प्रदर्शित, मतलब ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। जहाँ तक बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो जनरली बॉन्ड ऑर्डर इसके अंदर क्या आएगा, आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, क्योंकि यहाँ पर इसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्डेड वाला है, तो यहाँ पर एक इसका मॉलिक्यूल। तो जनरली इसका अपन बात करें Nb-Na/2, तो 2-0/0, तो यहाँ पर 1 आ जाता है। तो जनरली ये कैसा है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो इस यौगिक का क्या है, आपको स्टेबिलिटी है वो देखने को मिलती है। और B2S6 जो आपका मॉलिक्यूल है, ये क्या हो जाता है, स्टेबलर हो जाता है, जिससे ये अपन अनु आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करेगा, धनात्मक। इसके अंदर क्या पाया जाता है, आपके बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिलता है। सामान्यतः यहाँ पर जो खास बात ध्यान रखनी होती है कि B2S6 के अंदर बॉन्डेड ऑर्बिटल बनेंगे, नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल बनेंगे, और एंटी बॉन्डिंग वाले, मतलब तीनों तरह के ऑर्बिटल्स का आपको मॉलिक्यूलर डायग्राम में इसका एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। तो इस तरह से अपन बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज भी किस तरह से स्थायित्व रखती हैं, स्थायित्व के लिए क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, उसका अपन ने यहाँ पर एक्सप्लेन देखा। साथ में देखा कि भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्यों आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसकी कमी हो जाती है। जनरली जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, और यही कारण है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज कहलाती है। तो होप यू डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो डाइबोरेन है उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी पाई जाती है। होप यू वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड जो नोट्स है बनाते रहें, और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।